आइए अब आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाते हैं जो आपके दिन को शुभ बना देंगी, शुभ शुरुआत करेंगी। कुछ अच्छी खबरें, पॉजिटिव न्यूज। मध्य प्रदेश के खंडवा की 9 साल की बच्ची फौसिया पुलिस और न्यायालय की मददगार बन गई है। मूक बधिरों की भाषा समझने वाले इस बच्ची को पुलिस और कोर्ट अक्सर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं जब किसी मूक बधिर की बात समझनी हो। फौजिया के माँ बाप मूक बधिर हैं, उसने उन्हीं से ये भाषा सीखी है। उत्तर प्रदेश के संभल में बनी सॉयल टेस्ट लैब और सॉयल हेल्थ कार्ड सेवा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस लैब में किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकते हैं और उसके आधार पर कौन सी फसल और कौन से उर्वरक इस्तेमाल करना सही रहेगा इसकी जानकारी मिलती है, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। जम्मू में तैनात एसपी संदीप चौधरी ऑपरेशन ड्रीम्स के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनके सपने सच करने में मदद कर रहे हैं। संदीप रोज सुबह 2 घंटे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं लेकिन गरीबी की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते। संदीप चौधरी ने ऑपरेशन ड्रीम्स की शुरुआत 5 बच्चों से की थी और आज 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं।